हाथ में तमंचा और मुंह में सिगरेट, नए भूपा स्वामी की एंट्री खोलेगी ढोंगी बाबा की पूरी कुंडली। लहराई पिस्टल, लोगों को धमकाने का वीडियो हुआ वायरल। आश्रम वेब सीरीज देखकर कुछ समय पहले एक ट्विटर यूजर ने लिखा था कि जीवन में एक मित्र भूपा स्वामी जैसा भी होना चाहिए, जो जीवन में फैले समस्त रायते को समेट ले। किंतु यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है भैया, भोपा स्वामी ही महाराज के लिए नया रायता फैला रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस प्रकार की पोस्ट की फिलहाल लाइन लगी हुई है। कोई उसे गुंडा कह रहा है तो कोई उसे भोपा स्वामी। नमस्कार दोस्तों, सूचना क्रांति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीलेंद्र कुमार। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाता दिख रहा है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को वह पिस्टल चलाने के नाम पर डराता भी है। हाल ही में खूब चर्चा में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों का मामला तो हमने आपको बता ही दिया कि जो वीडियो सामने आया है उसमें वो हाथ में पिस्टल लेकर शादी समारोह में लोगों को धमकाते फिर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को वह पिस्टल से डराता भी है। वीडियो पीठाधीश्वर के भाई सलिक राम गर्ग का बताया जा रहा है। इसमें गाली देते हुए युवक बागेश्वर धाम का नाम ले रहा है। हालांकि इस संबंध में धाम की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। सब डिवीजन पुलिस अफसर SDOP शशांक जैन ने कहा कि वीडियो की जांच कराने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। इंटरनेट मीडिया पर शनिवार देर रात राम आश्रय अहिरवार ऋषि ने एक वीडियो अपलोड किया है। इसमें एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर शादी समारोह में कुछ लोगों से मारपीट करता दिख रहा है, साथ ही धमकी दे रहा है। वीडियो 11 फरवरी की रात में अहिरवार समाज के एक व्यक्ति के घर शादी समारोह का बताया गया है। इसके बाद इसे काफी लोगों ने शेयर किया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। इस पर हंसराज मीना लिखते हैं, बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सौरभ गर्ग नशे में धुत थे। मुंह में सिगरेट, हाथ में कट्टा लेकर जिस प्रकार दलित परिवार को जात सूचक गालियां देते हुए मारपीट कर रहा है, यह शर्मनाक है। क्या इस गुंडे पर मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज चौहान सरकार SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही करेगी? वहीं एक दूसरे ट्विटर यूजर किसान पुत्र हरेराम लिखते हैं कि भाजपा की सरकार में दलितों पर अत्याचार, महंगाई, बेरोजगार, बाबाओं का कारोबार, कुछ उद्योगपतियों की सरकार, मोटा भाई और मोदी जी लाचार, देश का हो गया बंटाधार, पाखंडियों की सरकार, शिवराज है लाचार। वहीं अभिषेक आनंद जर्नलिस्ट लिखते हैं, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम छोटे महाराज का वीडियो। आरोप है कि एक परिवार की शादी में नशे में कट्टा लेकर पहुंचे, महिलाओं से गाली गलौज की, मारपीट, धमकाया, शादी रुकवाने की कोशिश की। मनोज काका लिखते हैं, बागेश्वर धाम के महाराज के छोटे भाई महाराज कट्टेबाज गालीबाज है। इसकी भाषा सुनिए, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखना गाली देना ही है, तथा कथित बाबाओं का धंधा है, इनसे दूर रहकर पढ़ाई लिखाई परिश्रम करिए। वहीं राहुल अहिर ट्वीट करते हैं, बागेश्वर धाम वाले पाखंडी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उसके परिवार का आतंक चरम पर है। वीडियो में तमंचा लिए दिखा युवा ढोंगी का छोटा भाई शालिग्राम है, जो दलित परिवार की शादी में बज रहे गाने को बंद करने की धमकी दे रहा है, मारपीट कर रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री है ना, ये उनके छोटे भाई सौरभ हैं, जो नशे में धुत, मुंह में सिगरेट, हाथ में कट्टा लेकर गालियां देते हुए मारपीट कर रहे हैं। कल इनके भाई हिंदू राष्ट्र के निर्माण का झंडा उठाए हुए थे। ऐसे हम कौन सा समाज बन जाएंगे, ये हमें खुद सोचना होगा। हालांकि अभी की खबर के अनुसार बमीठा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 294, 323, 506, 427 के साथ साथ SC/ST अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामला एक वायरल वीडियो से जुड़ा है। गर्ग ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को धमकी भी दी थी। लड़की के पिता ने की थी शिकायत। पुलिस को लड़की के पिता की ओर से शिकायत मिली थी, जिसके बाद वीडियो की जांच के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के
प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखते हैं सही अपराधी तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भैया बिल्कुल नहीं भूलना है। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।